साथियों, मुझ जैसे करोड़ों भारतवासी कालीघाट, तारकेश्वर, दक्षिणेश्वर, गंगा सागर और बेलूमठ जैसे पुण्य स्थानों पर आकर खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे में कोई जब इस पवित्र बंग भूमि की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं के विपरीत जब आचरण करता है तो हर हिंदुस्तानी को बहुत दुख होता है। बंगाल में एक विशेष मधुरता है, मिठास है, यहां की भाषा में मिठास है, यहां के भाई बहनों की भावना में मिठास है, बंगाल के हर नागरिक की व्यवहार में मिठास है, यहां की मिष्टी दोई और मिठाइयों की तो बात ही अलग है। फिर इतनी कड़वाहट कहां से लाती है दीदी, इतनी कड़वाहट कहां से लाती है दीदी? कोथाय थेके पाचन, ये तो तिक्तता दीदी। आप बंगाल के प्रतिभाशाली युवाओं के आचार विचार में कड़वाहट घोल रही है। अब दीदी, आपको बंगाल के भविष्य के साथ ऐसा अन्याय नहीं करने दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, दीदी की बौखलाहट का एक बहुत बड़ा कारण है उनके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। मैं डे वन से कह रहा हूं, दीदी आपने काम क्या किया बताओ ना लोगों को, ये रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, बस यही उनकी परेशानी है। पुरानी इंडस्ट्री बंद, नई इंडस्ट्री का रास्ता बंद, नए निवेश, बिजनेस और चाकरी की संभावनाएं मंद। हुगली देश के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में से एक रहा है, लेकिन आज क्या हालत हो गई है आप भी जानते हैं। एक समय भारत के अनेक राज्यों से लोग बंगाल की फैक्ट्रियों में काम करने आते थे, आज बंगाल के लाखों लोग चाकरी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं।